हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गिब्स डोनान इफेक्ट के बारे में। गिब्स डोनान इफेक्ट को गिब्स डोनान इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। ये टॉपिक ज़्यादातर एग्जाम में आपका शॉर्ट नोट में ही पूछा जाता है, मतलब ये एग्जाम में आपका शॉर्ट नोट में ही आता है। और किसी भी शॉर्ट नोट में आपको इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप हेडलाइन दीजिएगा और उसका लिखने स्टार्ट कर दीजिएगा। और एक एक या एक से ज़्यादा, मतलब दो से कम पेज लिखिएगा, उतना ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है शॉर्ट नोट में। तो क्या होता है गिब्स डोनान इफेक्ट? द गिब्स डोनान इफेक्ट इज द बिहेवियर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स नियर ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। गिब्स डोनान इक्विलिब्रियम एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के पास चार्ज पार्टिकल का बिहेवियर को कहा जाता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक टाइप का बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होता है जो कुछ मॉलिक्यूल और आयन को ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा आर पार होने का परमिशन देता है। दैट समटाइम्स फेल टू डिस्ट्रीब्यूट evenly across the two sides of the membrane, it is also known as Gibbs Donnan equilibrium। जो कभी कभी दोनों sides में समान रूप से distribute करने में fail हो जाता है और इसको Gibbs Donnan equilibrium भी कहा जाता है। The usual cause is the presence of a different charge substance that is unable to pass through the membrane and thus create the uneven electric charge। membrane का normal region एक अलग charge substance के होने के कारण मेम्ब्रेन से गुजरने में अनेबल होता है, मतलब असमर्थ होता है, और इस प्रकार से एक अनइवन या फिर एक अनइक्वल चार्ज बनाता है। फॉर एग्जाम्पल द लार्ज एनायनिक प्रोटीन इन ब्लड प्लाज्मा आर नॉट परमिएबल टू कैपिलरी वॉल्स। जैसे कि एक लार्ज एनायनिक प्रोटीन जो होता है ब्लड प्लाज्मा का, वो कैपिलरी वॉल्स में वो परमिएबल नहीं होता है, मतलब कैपिलरी वॉल्स में ब्लड प्लाज्मा आर पार नहीं हो पाता है। गिब्स डोनान इक्विलिब्रियम को कुछ इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं कि एक साइड साइटोप्लाज्म को लेंगे और दूसरा साइड एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन को लेंगे। यहाँ पे टी गलत से लिखा गया है, उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन लेंगे एक साइड और दूसरा साइड साइटोप्लाज्म को लेंगे और इस तरह दिखाएंगे कि किस तरह से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा आयन का मतलब होता है ना कि आयन आर पार होते हैं, लेकिन कभी कभार ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कभी कभार ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो भी बस डोनान इक्विलिब्रियम की वजह से। द इफेक्ट इज नेम्ड आफ्टर द अमेरिकन फिजिस्ट विलार्ड गिब्स हु प्रपोज्ड इट इन 1878 एंड द ब्रिटिश केमिस्ट फ्रेडरिक डोनान हु स्टडी इट एक्सपेरिमेंटली इन 1911। इस इफेक्ट को अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक विलाय गिब्स के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसे 1878 में प्रस्तावित किया था और ब्रिटिश रासायनिक फ्रेडरिक जी डेनॉन ने इसे 1911 में इसका लेबोरेटरी स्टडी किया था। द डोनान इफेक्ट इज टैक्टिक प्रेशर एट्रीब्यूटेबल टू कैटायन अटैच टू डिजॉल्व प्लाज्मा प्रोटीन। डोनान इफेक्ट डिजॉल्व प्लाज्मा प्रोटीन से जुड़ा हुआ कैटायन के कारण एक तरह का ये टैक्टिक प्रेशर होता है, मतलब ये एक तरह का टैक्टिक प्रेशर होता है डोनान इफेक्ट। द गिब्स डोनान इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम स्टेट्स क्या होगा कि द गिब्स डोनान इक्वेशन जो होगा वो इक्वेशन स्टेट में कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। मान लेते हैं कैटायन Na प्लस है और एनायन Cl माइनस है, तो इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंटली भी इस तरीके से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गिब्स डोनान इफेक्ट। फर्स्ट रेड ब्लड सेल्स में क्या एप्लीकेशन होता है, इसका क्या यूज होता है। व्हेन टिश्यू सेल्स आर इन द प्रोटीन कंटेनिंग फ्लूइड द डोनान इफेक्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन इज इक्वल एंड अपोजिट टू द डोनान इफेक्ट ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स। द अपोजिंग डोनान इफेक्ट कॉज क्लोराइड आयन टू माइग्रेट इनसाइड द सेल इंक्रीजिंग द इंट्रा सेलुलर क्लोराइड कंसेंट्रेशन। रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है, तो जब टिश्यू सेल प्रोटीन से भरे हुए फ्लूइड में होता है तो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन का डाउन मतलब डोनान इफेक्ट बाहर के प्रोटीन के डोनान इफेक्ट के बराबर या फिर अपोजिट दोनों होता है। अपोजिंग डोनान इफेक्ट क्लोराइड आयन के सेल्स के अंदर माइग्रेट करने के कारण होता है, जिससे इंट्रा सेलुलर क्लोराइड कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है। सेकेंड न्यूरोलॉजी। ब्रेन टिश्यू स्वेलिंग नोन एज सेरिब्रल ओडेमा रिजल्ट फ्रॉम ब्रेन इंजरी एंड अदर टर्मेटिक हेड इंजरीज दैट कैन इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल विद इन द सेल क्रिएट ए फिक्स्ड चार्ज डेंसिटी विच इंक्रीजेज इंट्रासेलुलर प्रेशर थ्रू द डोनान इफेक्ट।
क्या होता है कि न्यूरोलॉजी में क्या होता है, तो ब्रेन टिश्यू सूजन जिसे सेरिब्रल एडिमा के रूप में जाना जाता है, ब्रेन में चोट या फिर अन्य दर्दनाक हेड की इंजरी से परिणाम स्वरूप होता है, जिससे इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ सकता है। सेल्स के अंदर नेगेटिव रूप से चार्ज किए गए मॉलिक्यूल एक निश्चित चार्ज डेंसिटी को बढ़ाता है, जो डोनान इफेक्ट के माध्यम से इंट्रासेलुलर प्रेशर को भी ये बढ़ा देता है। बस यहीं तक आपको डोनान इक्विलिब्रियम इफेक्ट में आपको यहाँ तक लिखना है बस, ये आपको ज़्यादातर आपका शॉर्ट नोट में ही पूछा जाता है।